नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर शेलार और आप देख रहे आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम इंजीनियरिंग M3 इस सब्जेक्ट में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मींस LDE इस यूनिट में आज हम टाइप वन है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मींस YC के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन YC क्या होता है। YC आपको LDE के हर एक प्रॉब्लम में आपको YC सॉल्व करना पड़ता है और YC आपको हर एक प्रॉब्लम में स्टेप वन में आपको YC सॉल्व करना ही पड़ता है। अगर आपको YC के बारे में अगर मालूम नहीं होगा तो आप LDE के कौन सा भी प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए YC कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो YC है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो आपका YC है डियर स्टूडेंट, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसमें आपके दो टाइप के आपके रूट्स होते हैं, राइट। जो पहले टाइप का रूट होता है वो होता है डियर स्टूडेंट्स रियल रूट, एंड जो सेकंड टाइप का रूट होता है वो होता है माय डियर स्टूडेंट इमेजिनरी रूट। दूसरा रूट होता है आपका इमेजिनरी रूट, राइट। और रियल रूट में आपको दो टाइप के रूट्स मिलते हैं। रियल रूट में सबसे पहले जो मिलता है आपको वो होता है स्टूडेंट्स नॉन रिपीटेड रूट्स, नॉन रिपीटेड, क्या बोलते हैं इसे, नॉन रिपीटेड रूट्स। और सेकंड टाइप होता है डियर स्टूडेंट्स रिपीटेड रूट्स, रिपीटेड रूट्स, राइट। ये होते हैं आपके रियल रूट में। और इमेजिनरी रूट में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, इमेजिनरी रूट में आपको पहला होता है पॉजिटिव इमेजिनरी रूट्स मिलता है, पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव आपको मिलेगा, पॉजिटिव। और दूसरा जो रूट होता है इमेजिनरी में वो होता है डियर स्टूडेंट निगेटिव इमेजिनरी रूट्स, निगेटिव इमेजिनरी रूट्स, राइट। ऐसे होता है स्टूडेंट, जब भी आपका पॉजिटिव इमेजिनरी रूट होगा, पॉजिटिव इमेजिनरी रूट होगा तो आपको कॉस की टर्म याद रखनी है, और जब भी आपका नेगेटिव इमेजिनरी रूट होगा, नेगेटिव, तो आपको सिर्फ साइन की टर्म याद रखनी है। तो चले अब हम रियल रूट की तरफ आते हैं। क्या होते हैं रियल रूट? ओके, तो रियल रूट होते हैं माय डियर स्टूडेंट 1, 2, 3, 4, 5, राइट, 6 अप टू इंफिनिटी। ये होते हैं आपके रियल रूट। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं या फिर नेगेटिव भी हो सकते हैं रियल रूट, राइट। इमेजिनरी रूट मीन स्टूडेंट आई, देन आपका 2i, देन 3i, देन 4i, देन 5i, राइट। इस टाइप के जो रूट्स होते हैं वो होते हैं आपके इमेजिनरी रूट्स, मतलब जिनमें आई की टर्म होगी, आई आई की टर्म जिसमें होगी, आई की टर्म जिसमें होगी वो होगा आपका इमेजिनरी रूट, और जिसमें आई की टर्म नहीं होगी, सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6, -2, -3, -4 मीन्स नेगेटिव भी नंबर आ सकते हैं और पॉजिटिव भी नंबर आ सकते हैं, उसे कहते हैं रियल रूट। इमेजिनरी रूट किसे कहते हैं, आई 2i, 3i, 4i, 5i, राइट, या फिर -i, -2i, -3i, ऐसे जो रूट्स होंगे जिसमें आई की टर्म होगी वो होगी इमेजिनरी रूट, और जो रियल रूट होते हैं जिसमें आई की टर्म नहीं होगी, देखिए इसमें आई की टर्म है क्या, सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो रियल रूट्स होते हैं, और इमेजिनरी रूट मीन्स आई 2i, 3i, 4i, 5i, इस टाइप के रूट्स को कहते हैं इमेजिनरी रूट्स। ओके, अब मैं आपको नॉन रिपीटेड रूट्स क्या होते हैं, राइट। अब मैं नॉन रिपीटेड रूट्स डिस्कस करने से पहले आपको सिर्फ एक चीज बताने वाला हूं, जो भी रियल रूट्स होगी, जो भी आपके रियल रूट्स होगी, हे आपको लिखने माय डियर स्टूडेंट ई रेस टू के फॉर्म में, किसमें लिखने आपको है, ई रेस टू के फॉर्म में लिखने जो भी रियल रूट हो गए, राइट। और जो भी आपके इमेजिनरी रूट्स हो गए, जो भी आपके इमेजिनरी रूट्स हो गए, तो मैंने आपको पहले बोला इमेजिनरी रूट्स अगर पॉजिटिव हो गए तो वो लिखने आपको कॉस में, और इमेजिनरी रूट्स निगेटिव हो गए तो वो लिखने आपको साइन में। मैं आपको आगे डिस्कस करने वाला हूँ, सिर्फ इतना याद रखे, रियल रूट हो गए तो आपको लिखने ई रेस टू के फॉर्म में। कोई भी फॉर्मूला आपको लर्न नहीं करना है, सिर्फ जो मैं बता रहा हूं सिर्फ उतना ही आपको याद रखना है, बहुत सिंपल है, राइट। जो भी रियल रूट्स होंगे वो आपको ई रेस टू के फॉर्म में लिखने, और जो भी इमेजिनरी रूट्स होंगे, अगर इमेजिनरी रूट पॉजिटिव होगा तो उसे लिखना है कॉस, अगर इमेजिनरी रूट निगेटिव होगा तो उसे लिखना है साइन, सिर्फ इतना है। ओके, तो देखिए नॉन रिपीटेड रूट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसका मैं एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसका एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल नॉन रिपीटेड रूट्स का। आपके पास रूट्स आए डी में रूट्स हम डिनोट करते हैं, रूट्स आए आपके टू, दो रूट्स है, देखिए दो रूट्स, एक 2 है और एक 3 है,
ऐसे दो रूट्स आपको मिले। तो नॉन रिपीटेड रूट्स का मतलब है दो ये रिपीट हुआ है क्या, थ्री रिपीट हुआ है क्या, दो और थ्री ये दोनों अलग अलग नंबर है, इसे हम कहेंगे डियर स्टूडेंट नॉन रिपीटेड रूट्स। इसे क्या कहेंगे हम, नॉन रिपीटेड रूट्स। मतलब अगर दो रूट्स है आपके पास, एक टू और एक थ्री, तो दोनों रिपीट नहीं होने चाहिए। रिपीट नहीं होने चाहिए मीन्स टू ए रिपीट हुआ है क्या, नहीं, थ्री ए रिपीट हुआ है क्या, नहीं, टू और थ्री दोनों अलग अलग रूट्स है, इसीलिए इसे कहते हैं नॉन रिपीटेड रूट्स। ओके, और रिपीटेड रूट्स का भी मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिख रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास डी मीन्स रूट, हम डी में डिनोट करते हैं, और टू कॉमा टू, तो इसे कहते हैं दो रूट है, एक टू और दूसरा भी टू, तो दोनों रिपीट हुए। देखिए तो जो रिपीट नंबर हो गए उसे कहते हैं रिपीटेड रूट्स। ये रिपीटेड रूट्स का एग्जाम्पल है, देखिए टू कॉमा टू दो रूट्स है और दोनों रिपीट हुए। देखिए दोनों सेम है ना, सेम रूट्स हो गए, सेम नंबर्स हो गए, उसे हम कहेंगे रिपीटेड रूट्स। अगर नॉन रिपीटेड रूट्स मीन्स दोनों रूट, अगर दो रूट से दो नंबर से दोनों अलग अलग नंबर होने चाहिए, उसे कहते हैं नॉन रिपीटेड रूट्स। तो इसका हम वाईसी कैसे लिखेंगे, देखिए वाईसी सिंपल है, मैंने पहले ही बोला है रियल रूट्स हम किस में लिखेंगे, ई रेस टू के फॉर्म में, राइट। तो देखिए टू और थ्री ये रियल रूट्स है, क्यों टू और थ्री रियल रूट्स है, क्योंकि इसमें आई की टर्म है क्या, आई की टर्म नहीं है, इसीलिए ये रियल रूट्स है, और नॉन रिपीटेड रूट से, नॉन रिपीटेड रूट से दोनों अलग अलग नंबर है। तो देखिए पहला रूट है इसलिए आपको लिखना है सी वन, पहले रूट के लिए आपको लिखना होता है सी वन, ई रेस टू टू ए इसलिए आपको लिखना है टू, और यहाँ पे लिख देना है आपको एक्स, ई रेस टू टू एक्स। देन देखिए प्लस करना है आपको, दूसरा जो रूट है थ्री उसके लिए आपको लिखना है सी टू, दूसरे रूट के लिए आपको लिखना है सी टू, एंड देन ई रेस टू यहाँ पे थ्री है तो आपको लिखना है थ्री एक्स, ये हो गया आपका वाइस, इतना सिंपल। और एक एग्जाम्पल लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास रूट से डी वन टू और माइनस फोर, ऐसे तीन रूट से, राइट। तो देखिए वन टू और माइनस फोर तीनों अलग अलग नंबर है, साइन की तरफ मत देखिए, वन भी अलग है, टू भी अलग है, माइनस फोर भी अलग है, तीनों नंबर अलग अलग है, तो ये हो गया आपका नॉन रिपीटेड रूट्स। तो इसका वाई से आप कैसे लिखोगे, देखिए वन के लिए, पहले रूट के लिए वन है, पहला रूट है तो आपको पहले रूट के लिए लिखना है सी वन, ई रेस टू वन है इसलिए वन और एक्स, देन प्लस टू इस दूसरा रूट है इसलिए आपको लिखना है सी टू, ई रेस टू टू है इसलिए आपको लिखना है टू एक्स, देन प्लस माइनस फोर है तीसरा रूट है, माइनस फोर है थर्ड रूट है तो आपको लिखना है सी थ्री, यहाँ पे लिखना है ई रेस टू माइनस फोर एक्स, राइट स्टूडेंट। तो ऐसे आप नॉन रिपीटेड रूट्स का वाईसी लिख सकते हो इस टाइप में, इतना सिंपल है। और जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें तो हम वाईसी सॉल्व करेंगे, मगर ये बेसिक आपको याद रखना है, राइट, बहुत सिंपल है माय डियर स्टूडेंट्स। ये हो गया आपका नॉन रिपीटेड रूट्स का। अब देखिए रिपीटेड रूट्स में देखिए, अब डी इक्वल्स टू डी ए रूट डिनोट करते हैं टू टू ए, तो देखिए ध्यान से देखिए वाईसी कैसे लिखोगे हम वाईसी। तो माय डियर स्टूडेंट दो रूट है ना, दो रूट है तो क्या करेंगे हम, देखिए ब्रैकेट में दो रूट है, रिपीटेड के लिए हम वाईसी ऐसे लिखेंगे सी वन लिखेंगे हम, सी वन और एक्स लिखेंगे, सी वन एक्स प्लस सी टू, क्या लिखेंगे हम, सी वन एक्स प्लस सी टू, और टू टू है तो इसीलिए हम बाहर लिख देंगे ब्रैकेट के बाद ई रेस टू टू एक्स, राइट माय डियर स्टूडेंट। ये आपको समझ में नहीं आया होगा, जब भी रिपीटेड रूट्स हो गए, दो रिपीटेड रूट्स है तो क्या करेंगे हम, सी वन और उसे हम एक्स मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सी टू और ब्रैकेट कंप्लीट करके ई रेस टू टू एक्स। देखिए अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा, अगर यहाँ पे थ्री कॉमा थ्री थ्री तो तीन रूट से तीनों रिपीटेड हुए, देखिए थ्री 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 तीनों रिपीटेड हुए तो वाईसी कैसे लिखेंगे, देखिए वाईसी देखिए थ्री है ना, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे सी वन, अब हम क्या करेंगे देखिए सी वन एक्स स्क्वेयर लिखेंगे, क्या करेंगे हम सी वन एक्स स्क्वेयर प्लस लिखेंगे सी टू एक्स प्लस लिखेंगे हम सी थ्री, क्योंकि तीन रूट है तो सी वन सी टू और सी थ्री, अगर तीन रूट है तो सी थ्री जो सी थ्री होगा उसे आप कुछ भी मल्टीप्लाई मत करें, जो C2 होगा उसे आपको x मल्टीप्लाई करना है, जो C1 होगा उसे आपको मल्टीप्लाई करना होगा एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर आपको लिखना होगा ई रेस टू थ्री एक्स। देखे ना यहाँ पे दो रूट्स थे,
टू टू कितने रूट से, दो रूट से, तो जो सी टू होगा उसे कुछ भी मल्टीप्लाई मत करे और जो सी वन होगा उसे आपको मल्टीप्लाई करना होगा x और बाहर लिखना होगा आपको ई रेस टू 12। देखिए यहाँ पे कितने रूट है, एक दो और थ्री, तीन रूट है, इसीलिए सी थ्री जो तीसरा रूट है, तीन रूट है ना, एक दो और तीन, तो सी वन सी टू और सी थ्री, जो सी थ्री होगा उसे कुछ भी मल्टीप्लाई मत करे, सी टू को एक से मल्टीप्लाई करे और सी वन को एक्स स्क्वायर। और मैं और एक एग्जाम्पल लेता हूं, ये पहला एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल है, अब मैं यहाँ पे आपको तीसरा एग्जाम्पल लेके देखता हूं। देखिए अगर डी ए तो आपके पास फोर 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 और फोर, ऐसे चार रूट है और चारों सेम रूट है, इसे कहते हैं रिपीटेड रूट। तो वाई सी कैसे लिखोगे, देखिए कितने रूट है, एक दो तीन और चार, तो आपको क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले सी वन आपको लिखना होगा एक्स क्यूब, ध्यान से देखिए ना, सी वन पहले एक्स क्यूब, देन सी टू आपको लिखना होगा एक्स क्यूब है तो यहाँ पे आपको लिखना होगा एक्स स्क्वायर, देन आपको सी थ्री क्या लिखना होगा एक्स, एक दो तीन और चार ना, तो चौथा जो होगा आपका सी फोर उसे कुछ भी मल्टीप्लाई मत करे और बाहर लिख दीजिए ई रेस टू फोर एक्स। अब तो आपको समझ में आया होगा, अगर चार रूट है ना, चार रूट्स, कितने रूट से, एक दो तीन और चार, चार रूट से, तो चार में से आप एक से कम कर दीजिए, एक से कम कर दीजिए, कितना होगा थ्री, चार रूट है चार और उसे एक से कम कर दीजिए, ये बेसिक बता रहा हूं थ्री, तो एक्स को पावर दे दीजिए थ्री। अब तो आपको क्लियर हो गया, देन एक्स रेस टू थ्री, देन सी टू को थ्री है तो यहाँ पे आपको दे देना होगा टू एक्स स्क्वेर, देन सी थ्री को आपको फिर से लिख देना होगा एक्स और सी फोर को आप कुछ भी मत दीजिए और ब्रैकेट के बाहर लिख दीजिए ई रेस टू फोर एक्स। यहाँ पे देखिए कितने रूट है, एक दो और तीन, तीन रूट है तो थ्री माइनस वन कर दीजिए, कितना होगा टू, तो ये जो टू पावर है, टू पावर है आपको यहाँ पे लिख देना, एक्स को टू पावर दे दीजिए सी वन के साथ है, उसके बाद सी टू, एक्स की पावर जो टू है उसे एक्स से कम कर दीजिए, सी टू एक्स हो जाएगा, देन लास्ट वाला जो सी थ्री वो एज इट इज लिख दीजिए और ब्रैकेट के बाहर ई रेस टू थ्री एक्स। इसमें देखिए दो रूट से तो दो को एक से कम कर दीजिए, कितना होगा वन, तो आपको लिखना है सी वन और एक्स को पावर आपको देना होगा वन, मगर वन हम पावर देते हैं क्या एक्स को, नहीं, देन आपको प्लस लिख देना है सी टू और ब्रैकेट के बाहर लिख देना है ई रेस टू टू एक्स। तो ये होगा आपका डियर स्टूडेंट रिपीटेड रूट्स के लिए, बहुत सिंपल कंसेप्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, राइट, ये हो गया नॉन रिपीटेड रूट्स के लिए और ये हो गया रिपीटेड रूट्स के लिए, ओके। अब हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, देखिए अब मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे अब मैं इमेजिनरी रूट्स की तरफ आ रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे पहला जो रूट है, समझो पहला जो रूट है वो आया है आपका आई और माइनस आई, आई और माइनस आई, ध्यान से देखिए, तो आप वाई सी कैसे लिखोगे, तो देखिए आई जो है वो पॉजिटिव है, आई जो है पॉजिटिव है, इसके पहले कोई साइन है क्या, नहीं है, तो ये आई क्या होगा पॉजिटिव, और इसका कोएफिशिएंट क्या है, इसका कोएफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है वन, यहाँ पे क्या होता है वन, ध्यान से देखिए आई और माइनस आई दोनों इमेजिनरी रूट है, दोनों इमेजिनरी रूट है, आई ये पॉजिटिव है तो देखिए आई पहला रूट है इसीलिए लिख दीजिए सी वन, आई पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए आपको लेना होगा कॉस, तो आई के लिए मैं लूंगा कॉस, और आई का कोएफिशिएंट कितना है वन है, तो वन हम नहीं लिखते, डायरेक्टली लिख देना है आपको एक्स, मीन्स आई ये पॉजिटिव है तो आपको लिख देना है कॉस, तो मैंने लिख दिया कॉस एक्स, माइनस आई ये दूसरा रूट है इसलिए मैं लिख दूंगा सी टू, तो ये माइनस है, माइनस के हो गए आपका निगेटिव, और निगेटिव के लिए लिखना है आपको साइन, तो यहाँ पे लिख देना है साइन एक्स। तो ऐसे आप लिखोगे रूट्स इमेजिनरी के लिए, ध्यान से देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आई और माइनस आई होगा तो आई ये पहला रूट है इसलिए सी वन, और ये आई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए आपको लिखना है कॉस, आई का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो डायरेक्टली लिख दीजिए एक्स, प्लस माइनस आई तो आपको माइनस आई सेकंड रूट है इसीलिए लिख देना है आपको सी टू, और निगेटिव के लिए, निगेटिव के लिए आपको लिख देना है साइन इसीलिए साइन एक्स। और एक मैं लूंगा एग्जाम्पल, देखिए रूट्स आए आपको टू आई और माइनस टू आई है, दो रूट्स आए, राइट ना, तो देखिए वाई से कैसे लिखोगे, इसमें भी आई इसमें भी आई इसीलिए इमेजिनरी रूट, तो टू आई पॉजिटिव है, देखिए पॉजिटिव है क्योंकि इसमें आई है इसीलिए इमेजिनरी रूट,
और 2i ये पॉजिटिव रूट है, तो पॉजिटिव होगा तो आपको लिखना होगा cos। तो देखिए 2i के लिए पहला रूट है इसीलिए लिखना है c1, ये पॉजिटिव है इसीलिए आपको लिखना है cos, 2a यहाँ पे इसीलिए आपको लिखना है 2x, राइट। देन प्लस माइनस 2i, माइनस 2i सेकंड रूट है इसीलिए आपको लिखना है c2, और 2i ये निगेटिव है, देखिए यहाँ पे निगेटिव साइन है, निगेटिव होगा तो आपको लिखना है साइन, तो यहाँ पे लिख देना है आपको साइन, और यहाँ पे आपको लिख देना है एक्स। तो ये हो गया आपका इस रूट के लिए 2i और माइनस 2i के लिए, ये हो गया आपका वाई से। और आपके लिए अब मैं यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल लेता हूं, थर्ड एग्जाम्पल समझे, डी इज इक्वल टू 2 + 3i और 2 - 3i, ये दो रूट है, 2 + 3i और 2 - 3i। तो देखिए वाई से कैसे लिखो, तो सबसे पहले पहले रूट में भी आई आया है और दूसरे रूट में भी आई की टर्म आई है, राइट ना। तो आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, देखिए तो ये 3i है, देखिए 3i, मगर ये 3i क्या है, पॉजिटिव, 3i क्या है, पॉजिटिव, ध्यान से देखिए 3i, 3i क्या है आपका पॉजिटिव, तो ये पहला रूट है इसीलिए c1, और 3i ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा तो आपको लिख देना है cos, और ये जो 3 है इसीलिए आपको लिख देना है 3 और x, राइट ब्रैकेट में। देन प्लस ये दूसरा रूट है, ये दूसरा रूट है, और i की टर्म की तरफ देखिए यहाँ पे 3i है, मगर यहाँ पे उसे कौन सा साइन है, माइनस है, ये 3i है मगर इसे कौन सा साइन है, माइनस है, तो माइनस होगा, निगेटिव होगा तो आपको लेना है साइन, तो देखिए यहाँ पे आपको लेना है 2 - 3i, ये दूसरा रूट है ना, तो दूसरे रूट के लिए आपको लिखना है c2 -3i, तो 3i ये टर्म क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव के लिए आपको लेना होगा साइन, तो यहाँ पे दे देना है आपको साइन, राइट। 3 है इसलिए आपको लिखना है 3 और यहाँ पे x, 3 और यहाँ पे x। अब आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ध्यान से देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 को तो i की टर्म नहीं है, इसे भी 2 है, इसे भी 2 है, सिंपल 2 है, तो ये 2 हो गया आपका रियल नंबर, और इसे आपको दे देना है ब्रैकेट के बाद e^2 के फॉर्म में, e^2x, क्योंकि जो भी रियल रूट होते हैं उसे हम कौन से फॉर्म में लिखते हैं, e^2 के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, दोनों जगह 2 है, इसीलिए आपको ब्रैकेट के बाहर लिख देना है e^2x। तो ये हो गया आपका yc इस रूट के लिए। और एक मैं अब एग्जाम्पल लेता हूँ, 4 समझो, d = -4 + 5i, और यहाँ पे -4 - 5i, तो इसका वाई से आप कैसे लिखोगे, देखिए ये पहला रूट है और ये दूसरा रूट है, तो पहले रूट के लिए पूरा का पूरा आपका पहला रूट है, पूरा का पूरा आपका दूसरा रूट है, तो देखिए यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट वाई से कैसे लिखोगे, तो पहले रूट के लिए c1, यहाँ पे 5i, देखिए यहाँ पे i, तो i की टर्म पहले देखिए, यहाँ पे i और इससे साइन कौन सा है, पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन होगा तो आपको लिखना है cos, देखिए यहाँ पे cos, तो यहाँ पे लिख दीजिए cos, यहाँ पे 5 है इसीलिए आपको लिख देना है 5x। देन प्लस ये दूसरा रूट देखिए, दूसरे रूट के लिए c2, यहाँ पे i की टर्म है, मगर i की टर्म क्या है, यहाँ पे निगेटिव, तो निगेटिव टर्म अगर होगी, निगेटिव अगर होगी तो आपको लेना है साइन, तो यहाँ पे लिख दीजिए साइन, और यहाँ पे 5 है इसलिए आपको दे देना है यहाँ पे 5 और x, यहाँ पे 5 इसलिए 5x, ओके। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब आपको इस -4 की तरफ जाना है और इस -4 की तरफ, दोनों नंबर है, दोनों रूट्स में दोनों सेम नंबर है और दोनों रियल रूट्स है, क्योंकि -4 और -4 दोनों रियल नंबर है, राइट ना, -4 और -4 दोनों क्या है, रियल नंबर है, तो रियल रूट हो गया तो उसे हम कौन से फॉर्म में लिखते हैं, e^2 के फॉर्म में, तो ये -4 है -4 ब्रैकेट के बाहर लिख दीजिए e^-4x, ओके। तो ऐसे आप माय डियर स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन yc ये आप सॉल्व कर सकते हो, ये पूरा का पूरा अगर आपको बेसिक समझ में आया होगा तो आपको हर एक प्रॉब्लम LD के हर एक प्रॉब्लम में आपको स्टेप वन में yc सॉल्व करना ही पड़ता है, yc आपको सॉल्व करना ही पड़ता है, तो ये yc का बेसिक आपको जान लेना है। और बहुत से बच्चों को मतलब डिफिकल्टी होगी, कंफ्यूजन होगा कि सर ये रूट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो रूट्स आपको फाइंड करने माय डियर स्टूडेंट कैलसी पे, जो भी इंजीनियरिंग कैलसी है, जो भी आपको इंजीनियरिंग कैलसी अलाउ की हुई है,
तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 991 ES प्लस कैल्सी, मैं आपको सजेस्ट करूंगा राइट 991 ES प्लस कैल्सी जिनके पास है उनके लिए रूट्स बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये सारे रूट्स आपको कैल्सी पे सॉल्व करने होते हैं। जब भी हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे उस प्रॉब्लम में आपको शो करके दिखाऊंगा कि कैल्सी पे हम कैसे रूट सॉल्व कर सकते हैं राइट 991 ES प्लस कैल्सी पे। तो रूट्स हम कैल्सी पे सॉल्व करेंगे और मैं आपको शो करके बताऊंगा हर एक प्रॉब्लम में कि कैल्सी पे रूट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन YC का बेसिक लेक्चर।